Hi, welcome to part 2. We are talking about OCD, Obsessive Compulsive Disorders. And this is Paritha in Panchayat. Welcome to Panchayat with Paritha. And don't forget to like, subscribe and share it with your friends and family. So let's go ahead quickly with our talk on types of OCD. So OCD is basically a spectrum. There are many types of there are many things that will come into the OCD, but let's say to make it short, let's talk about this five OCD that are very commonly known. One is cleaning, so wherein you are very much the person is dealing with cleanliness a lot. So जैसे अगेन याद रहे मिनिमम 1 आवर के लिए वो इंसान अपना टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट करता है. सो इट्स नॉट लाइक कि मम्मा ने बोल दिया कि जाके घर साफ रखो, क्लीन करो तो मम्मा को ओसीडी है. नहीं, ऐसा नहीं है. ओसीडी इज अ सीरियस इलनेस एंड इट इज टू बी टेकन एंड एड्रेस्ड सीरियसली. डोंट यूज इट लूजली. एंड पीपल आर नॉट ओसीडी, पीपल आर डीलिंग विद ओसीडी. It's not label, it's a diagnosis. Let's get back to themes and dimensions of OCD. Also, you can say types of OCD. So the first one is cleaning, जिसमें आप minimum 1 hour से ज़्यादा cleaning में अपना time बिताते हो. Second is harm to self or others. तो जैसे कि you will see the visuals of harming someone else. तो आप सड़क पर जा रहे हो और आपको लगेगा, constant fear रहेगा कि आप किसी को टकरा जाओगे या आपसे कोई किसी को लग जाएगी, या constant fear रहेगा कि कोई आपको लगा देगा. So fear of harm. Then fear of symmetry. तो अगर चीज़ अपनी जगह पर सही से नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी. So fear of symmetry. Then forbidden and taboo thoughts. तो the person is forbidden, tabooed, is like aggressive sexual and religious images ko bar 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 apne thoughts ke andar repeated mode mein dekhta hai, observe karta hai. So let's say mandir chale gaye and you are having the images of forbidden, yani ki sex ke bare mein sochna mandir mein galat hai. So wahan pe whenever you go you start thinking about those things. So agar wo repeatedly aapko हिंडर करती है, आपकी लाइफस्टाइल को हिंडर करती है, आपके वर्क को हिंडर करती है, देन इट बिकम्स ओसीडी. अगर फ्लैशिंग थॉट्स आ रहे हैं, दैट इज नॉट ओसीडी. एंड हु कैन डायग्नाइज? ओनली अ सर्टिफाइड क्लिनिशियन और अ डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट. आई एम नॉट अ सर्टिफाइड क्लिनिशियन, हाउएवर आई एम अ साइकोलॉजिस्ट. सो आई मे सी द रेड फ्लैग्स, बट आई एम नॉट ऑथोराइज टू गिव द डायग्नोसिस टू यू. देन इज होर्डिंग. होर्डिंग यानी कि पुरानी चीज़ों को लेके पकड़े रहना. तो आपको लगेगा कि आप बहुत अटैच हो जाते हो, यू नो, यू इजीली कैन नॉट रिलीव दोज थिंग्स. जैसे कि मैं बहुत अटैच हूँ, ये ना मेरी फाइव ईयर का था तब की मेरी ये टी शर्ट है. अभी वो टी शर्ट की शायद आपको वैल्यू भी नहीं है. ओके, अभी आप शायद 20 इयर्स के हो गए. यू डोंट इवन रिमेंबर कि 5 ईयर के जब आप थे तब आपकी टी शर्ट की क्या वैल्यू थी, बट यू आर स्टिल अटैच टू दैट थिंग एंड लेटिंग इट गो इज वेरी डिफिकल्ट टू यू. सो दैट इज होर्डिंग. दीज आर 5 बेसिक थीम्स. देन देर इज ऑल्सो बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, वेर इन यू आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग कि हाउ यू आर लुकिंग, यू नो, मैं सही लग रही हूँ, मैं बराबर लग रही हूँ, मैं मोटी हो गई. एंड ये नॉर्मल है, राइट, आई नो दैट. बट जब ये 1 आवर से ज्यादा का टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जब आप डेट पे जाने से भी डरते हो कि मैं ठीक नहीं लग रही हूं, जबकि आपको सब लोग बोल रहे हैं कि यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, बट स्टिल यू डोंट फील ब्यूटिफुल. सब लोग बोल रहे हैं यू आर लुकिंग वेरी थिन, बट यू स्टिल डोंट फील थिन. इवन द मेजरिंग वेइंग मशीन इज टेलिंग यू आर लुकिंग, यू आर थिन, बट यू डोंट फील थिन. That is body dysmorphic disorder. Again, बहुत सारे criteria होते हैं. We are just seeing it from a bird eye view.
देन इट्स अ ट्रिकोटिलोमेनिया. ट्रिकोटिलोमेनिया में अगेन रिपीटेटिव थॉट आता है, अर्जिस होती है एंड पर्सन स्टार्ट प्लकिंग देयर हेयर एंड दे प्ले विथ इट एंड आफ्टर दैट दे थ्रो इट. थोड़े बहुत अगर स्ट्रेस एंग्जाइटी में करते हैं इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट देन यहाँ पे पैचेस हो जाते हैं, बॉल्डनेस आ जाती है, ये पूरी आईब्रोज गायब हो जाती है, लैशेस गायब हो जाती है. दैट इज ट्रिकोटिलोमेनिया. इट्स अ पार्ट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर. देन एक्सक्रेशन ऑफ स्किन, एक्सक्रेशन डिसऑर्डर इज स्किन पिकिंग. तो आप खुरेद खुरेद के अपनी स्किन को प्लक कर देते हैं. और ओसीडी ड्यू टू एनी अदर मेंटल कंडीशन कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट. सो दीज आर डिफरेंट थीम्स ऑफ ओसीडी. कैन यू अंडरस्टैंड एंड और कैन यू इमेजिन कि ये कितना बड़ा एक स्पेक्ट्रम है. और अगेन बिफोर एंडिंग अप दिस थीम आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू यूज ओसी एज अ वेरी लूज टर्म. इट्स अ वेरी डिबिलिटेटिंग इलनेस. और ये डिसऑर्डर में जो होते हैं वो बहुत फाइट्स लड़ रहे होते हैं और उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है. इफ़ यू सी द रेड फ्लैग्स डोंट शेम देम, हेल्प देम गो सी द साइकाइट्रिस्ट और गो सी द साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर और एनी वन वेर इन दे कैन अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग विद देम. ज़्यादातर तो उनको पता ही नहीं होगा कि उनके साथ हो क्या रहा है. तो राइट नाउ इस ये वाले पार्ट टू में इतना ही एंड आई विल सी यू इन पार्ट थ्री एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ओसीडी. सी या दिस इज परिता साइनिंग ऑफ. बाय.